क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के रखूंगा मैं, मिल जाएगा बहरहाल वो। बस भाई इधर फोकस कर लो, क्या हो गया। अच्छा अगर अभी जब टेलमेंट सीएसएस की वेबसाइट को अगर वापसी से खोलना होगा तो मैंने पहले ही बताया था इसको यहाँ से सर्वर ऑन करेंगे हमें, वो नहीं करेंगे। cmd npm run dev हैं? हाँ वहाँ से भी खुल जाएगा। आ गया। अच्छा अभी एक काम करते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ देख रहे हो, ऊपर से स्पेस चाहिए होगा, सही है। ये बुरा लग रहा है जिसकी वजह से ये। हाँ वो आइकन वाले को भी सेट करना है। ये हमारा टोटल मिड वाला आ रहा है ना, इसको देते हैं मार्जिन टॉप से 20, मतलब 64 पिक्सल, ज़्यादा हो गया। 10 करते हैं, 7 करते हैं, ठीक लग रहा है, सही है। हाँ बुरा नहीं लग रहा है। आइकन साले को थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसमें हमने पेडिंग लगानी थी, पेडिंग लगाने से पहले माइनस लगाया था, लाइट चल गई। 2 लगा लेते हैं 8 8 पिक्सल की, सही है। और बॉर्डर रेडियस इसका फुल कर देते हैं, राउंडेड फुल हो गया। अगर कलर अगर इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो हम वो ग्रे वाला कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं अगर वो कैसा लग रहा है वो। स्लेट 200 हैं, एक मिनट ग्रे में करके चेक करते हैं 200। और ग्रे कलर तो खैर ऑलरेडी है, 5 करते हैं, हो गया, सही लग रहा है। अभी सही है, सही लग रहा है ना, सही है। इसमें कोई सवाल तो नहीं है? हाँ भाई सब क्लियर है। इसको रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इजी है इसकी रिस्पॉन्सिवनेस तो। अभी हम ऐसा चाह रहे हैं, अभी हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पर मैंने भी मेरी वाली जो बनी हुई है तकरीबन वैसी बनी हुई है सेम टू सेम, उस पर देख लेते हैं किस तरह से काम हो रहा है। रहमान ऑफिशियल पे जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट साइड पर ही एसी आ रही है, राइट पर एसी आ रही है। जब मैं इसको छोटी स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ तो ये पूरा पूरी स्क्रीन पर आ जाता है वो, देख रहे हो। हमें ये वाला काम करना है, बाकी सारा वो इसी तरह से चलेगा वो, तो इजी हो जाएगी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा दो काम कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं इसको कॉलम करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं इसकी कॉलम करूँगा, मुझे इसके ऑर्डर चेंज करने पड़ेंगे, मतलब छोटी स्क्रीन पर इसका ऑर्डर मुझे सबसे ऊपर ले आना पड़ेगा ताकि वो सारे कुछ इस तरह से आए वो। फिर उसके बाद ये वाला प्रोफाइल का आ जाएगा, तो उसके बाद नीचे ये वाली नज़र आनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। इसको करते हैं चलो रिस्पॉन्सिव। जी टोगल वाला, टोगल की ज़रूरत ही क्या है? देखो यहाँ पे कहीं टोगल नज़र आ रहा है क्या? छोटी सी कहीं नज़र आ रहा है टोगल? टोगल का इसमें कहीं काम ही नहीं है। इसका टोगल है वो तो, ये आएंगे थीम वगैरह। तो अभी एक काम करते हैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, देखो मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही वो एमडी से नीचे आए, जैसे ही वो एमडी से नीचे आए तो ये पूरा 100% का हो जाए, ये भी पूरा 100% का हो जाए, ये भी पूरा 100% का हो जाए। जैसे अभी हमने किसी को 70 दिया हुआ, किसी को 8, किसी को क्या, किसी को क्या, तो हमें इस तरह से करना है इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ये तो हमारा पूरा मेन कंटेनर है जिसमें पूरी वेबसाइट आ रही है। इसकी विड्थ तो फुल दी हुई है, इसकी विड्थ देख रहे हो कितनी दी हुई है। हम ये बोलेंगे एमडी स्क्रीन पर, सही है, मतलब ये जो विड्थ आ रही है ना, ये विड्थ 1/6, मतलब कब से हो, एमडी के बाद से, मतलब मीडियम स्क्रीन के बाद से हो, बात समझ आ रही है। ये स्क्रीन कब हो, ये जब मैंने टेलमेंट सीएसएस पढ़ाई थी, वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास जब मैंने पढ़ाई थी, जब पढ़ाया था ये एमडी स्क्रीन के अंदर, मतलब 768 पिक्सल स्क्रीन के बाद से ही जो है ना इसकी इतनी विड्थ होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जितनी अभी आ रही है इस वक्त। लेकिन छोटी स्क्रीन पे इसकी विड्थ क्या हो, फुल हो।
मतलब बाय डिफॉल्ट तो विड्थ इसकी 100% होगी, मतलब इस टेलमेंट के अंदर गेम उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है, मतलब यहाँ पर ये जीरो से चलना स्टार्ट होता है, ये छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जाता है। मैंने लगा छोटी के ऊपर तो अभी एसी होगी, लेकिन एमडी के बाद से वो एसी हो जाएगी। छोटी स्क्रीन से जब वो चलना स्टार्ट करेगा, मैंने बोला ना उल्टा चलता है ये, तो ये जीरो से चलना स्टार्ट करेगा तो विड्थ को 100% रखेगा छोटी स्क्रीनों के हिसाब से, लेकिन जैसे ये एमडी स्क्रीन पर आएगा ये स्टार्ट हो जाएगा 8% जो भी आ रहा था इसका 16% का, सेम टू सेम यही काम यहाँ पर होगा। एमडी और विड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। यही काम जो है मैं यहाँ पर करूँगा। अच्छा एक मिनट, ये मिड वाला आ रहा था ना, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये तो हमारा बस ये मिड आ रहा है, सही है। एमडी विड्थ को कर देना फुल, ये मिड वाला बंद करा, क्या बंद कर दिया ये मुझे, हाँ ये मिड आ रहा है, ये लेफ्ट वाला आ रहा है, सही है। बड़ी स्क्रीन पर एमडी के ऊपर से तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे एमडी से नीचे आएगा इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। चलो चलाते हैं अभी इसको, अभी कोई काम बिगड़ा नहीं है, सही है। छोटी स्क्रीन पर लेकर गए, यहाँ पर अभी देखते हैं कि काम क्या चीज़ में मसला आ रहा है। अच्छा ये इसके जो आइकन्स आ रहे हैं मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं करी ना हमने, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी करनी पड़ेगी। तो मैंने लगाया हुआ फ्लेक्स, ये बोल रहा हूँ कि जो फ्लेक्स जो रो होगा एमडी के ऊपर, तो एमडी स्क्रीन के ऊपर फ्लेक्स रो होगा, क्या होगा, फ्लेक्स रो होगा एमडी स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब है छोटी स्क्रीन पे क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लेकिन जैसे वो एमडी पर आएगा रो हो जाएगा। अभी देखते हैं, हो गया जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही हुआ ये भाई। इसको सेट तो हमारा हम कर लेंगे, लेकिन अभी देखो फ्लेक्स डायरेक्शन को जैसी कॉलम करा विड्थ 100-100 हो गई और ये काम इतना हो गया, बात समझ आ रही है। और इसकी हाइट तो हमने 100 VH दी हुई थी, इस वजह से वो इसमें तो मसला है, बाकी और कोई इसमें मसला नहीं है। इसकी हाइट जो 100 VH हमने दी हुई है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, छोटी बड़ी सब स्क्रीन उसको ख़त्म कर देते हैं, अभी वो ऐसा नज़र आ रहा है, सही है। और इसके अंदर पेडिंग भी हमने लगाई हुई है, लेफ़्ट राइट चारों तरफ से कर देते हैं जी। हाँ ऊपर इसको तो सही कर लेंगे, इसकी इसको ही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी पड़ेगी, सही है। मैंने ये बोला कि जैसे ही जो एमडी स्क्रीन पर आएगा, अभी हमने इसको क्या करा हुआ है, अराउंड करा हुआ है, इसमें दो डिफ्ट है, एक तो लेफ्ट था एक राइट था। इसको हम करेंगे फ्लेक्स हमने लगाया हुआ था, और फ्लेक्स के अंदर इसके लगाएंगे कि एमडी के ऊपर क्या होगा, रो हो जाएगा, ठीक है, एमडी के ऊपर फ्लेक्स रो हो जाएगा, और वरना तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा। आ गया कॉलम के अंदर, अब वो कॉलम में तो आया लेकिन वो इसके अंदर की तरफ चल गया वो, सही है। तो हमें हम ये चाह रहे हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो होगा, लेकिन ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है ये पूरी 100 हो जाए, क्योंकि हमने तो इसको 70 या 60 के करीब दिया हुआ था, 50 जो भी था। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमने बोला कि इसकी एमडी के बाद से इतनी होगी, इसका मतलब है विड्थ इसकी क्या होगी, फुल होगी, हो गया। सेम टू सेम इमेज के साथ काम होगा, मैंने बोला ये जो विड्थ होगी ना ये तो एमडी के बाद से होगी, लेकिन छोटी स्क्रीन पर फुल होगी, सही है। अब वो फुल तो हो गई होगी, हमें नज़र नहीं आ रही, उसको हम सेट कर लेंगे। इसकी हाइट हमने 100% करी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, नहीं करी ही नहीं है। पहले तो मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि यहाँ कितना रहा है, बॉर्डर इतना आ रहा है, सही है। इसका मतलब है मुझे इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी छोटी स्क्रीन पर, यह पूरा फिक्स नहीं मिल रहा है मुझे ना, तो सही है। इसकी जो हाइट आ रही है, हाइट की बात करते हैं, हाइट ये रही, ये जो हाइट होगी ये होगी एमडी के ऊपर इतनी, लेकिन छोटी स्क्रीन के ऊपर अभी कितनी आ रही है हाइट, ये इसकी 384 आ रही है, कम से कम 450 चाहिए हमें। मैंने बोला इसकी हाइट जो होगी ना 450 पिक्सल होगी, ये छोटी स्क्रीन पर होगी, अभी आस्ता से बड़ा हो रहा है ना, तो इसको मुझे एक काम करना पड़ेगा, स्क्रीन कर देते हैं। मैंने बोला हाइट तो यानी कि छोटी स्क्रीन के अंदर तो वो स्क्रीन ही होगी, स्क्रीन का मतलब है 100 VH AC आएगी,
अच्छा इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम इमेज को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करेंगे? क्या नहीं नहीं सही हो रहा है, ये तो सब कुछ सही हो रहा है, इसमें मसला नहीं है। इसको एक सेंटर कर लेते हैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ये भी सेंटर हो जाएगा। जो हमने बॉर्डर लगाया था बॉर्डर भी हटा लेते हैं। मैं अभी पता है क्या चाह क्या रहा हूँ, मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि पिक्चर ऊपर आए कंटेंट नीचे आए, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए। ऑर्डर वन करना पड़ेगा किसका? इस वाले का, इमेज वाले का। तो ऑर्डर वन हो गया क्या? क्या करना पड़ेगा? हाँ फ्लेक्स रिवर्स, ये तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। देखो हो सकता है, यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो बड़ी स्क्रीन पर होगा, इसका मतलब है कॉलम तो होगा लेकिन कॉलम रिवर्स होगा। चीता बंदा यार क्या कर रहे हो तुम, हल्का ले रहे हो तुम इसको यार। खान साहब माना कि वो एडमिशन नहीं करा रहा लेकिन अब हल्का तो नहीं लो इसको कम से कम। चलो इसकी जो है हाइट को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हाइट का, हाइट का है ये इमेज वाला काम हो रहा है ना? एक तो मेरे भी जहन से निकल गया कौन सा काम कहाँ हो रहा है। अच्छा हाँ ये 40% वाला इमेज में हो रहा है, सही है। इसकी हमने हाइट भी लगाई थी ना, हाइट तो फुल है। ओ सही है, गलती इसकी भी नहीं है। हाइट मुझे देनी पड़ेगी, देखो छोटी स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये छोटी स्क्रीन है ना, इसकी मुझे हाइट देनी पड़ेगी 1/2, मतलब स्क्रीन का हाफ। सही है, ये स्क्रीन का हाफ लेगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर एमडी स्क्रीन के ऊपर इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? फुल होगी, मतलब बड़ी स्क्रीन पे इसकी हाइट तो वही अपना जो 100% ले रहा था उतनी लेगा। सेम टू सेम ये काम इसमें करेंगे, इसको कॉपी करा यहाँ पर आके ये काम इसमें कर दिया, ये भी सेट हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। हमने ये बोला कि जो है ना इसका H1 कहाँ है, इसको H1 को ओपन करते हैं। 5XL आ रहा है भाई, 5XL तो होगा बट ये AMD के पास से होगा, इसका मतलब है छोटी स्क्रीन में कितना होगा टेक्स्ट? 2XL होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सही है। 3 कर लेते हैं, अब सही लग रहा है। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा फिर, इस हिसाब से 4 करके चेक करें। 4 सही लग रहा था, 3 सही लग रहा था, 4 सही है। और पी वाले को छेड़ने की कोई नीड तो नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, सही है। अभी इसको बड़ी स्क्रीन पे चलाते हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, इसको से अभी सेट कर लेंगे। पहले इसको बड़ी स्क्रीन पे चलाते हैं, देखें बिगड़ तो नहीं रहा। ये ऐसा होगा, फिर ऐसा, ऐसा, ये ऐसा हो गया खान साहब। इसको भी सेट कर लेंगे, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे और इसको रो के अंदर डिवाइड कर देंगे। छोटी स्क्रीन पर आया वापसी से, चलाते हैं इसको, ये ऐसा, फिर ये ऐसा रिस्पॉन्सिव, ये सेंटर आ गया। इस वाले को जो 100 हाइट हमने दी हुई थी, इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे तो 100 VH ही होगा, छोटी स्क्रीन पे इसकी हाइट को कम कर देंगे, सही है। छोटी स्क्रीन पे हाइट कम करके फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर इसको मैं बंद करता हूँ, मिड वाले को इसमें आते हैं। इसकी हाइट कहाँ है, ये रही हाइट होगी 100 स्क्रीन होगी लेकिन AMD के पास से, सही है। इसका मतलब है छोटी स्क्रीन पे इसकी हाइट क्या होगी, कम से कम भी जो है ना 50 हो, ज़्यादा था 60 हो जाए बस, 56 कर लेते हैं, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन जो कॉलम करी हुई थी ये होगी AMD के पास से, लेकिन अभी क्या होगी, फ्लेक्स रो ऐसा ही है, बाय डिफॉल्ट तो फ्लेक्स रो होगी, देखते नीचे जाके, सही है। फ्लेक्स रो तो हो गया, इसको अंदर वाले को सेट करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर जाएंगे, ये वाला डिव जो आ रहा है इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम थी, लेकिन ये भी AMD के पास से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्लेक्स रो होगा, आ गया रो। आइटम सेंटर वगैरह इसमें करना पड़ेगा,
तो इसको कर लेते हैं, इसके पेरेंट पर आते हैं। हमने यहाँ पर कहीं जस्टिफाई बिटवीन लगाया हुआ, आइटम सेंटर नहीं लगाया हुआ, आइटम सेंटर, ये सेंटर भी हो गया। ठीक है, पेडिंग लगाना पड़ेगी लेफ्ट राइट से। अच्छा भाई, पेडिंग आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट पेडिंग एक से आएगी, कम से कम भी 24 पिक्सल, लेकिन एमडी के बाद से वो पेडिंग गायब हो जानी चाहिए, पेडिंग एक से 0 हो जाए, नहीं चाहिए। सही है, लेफ्ट राइट से ही पेडिंग भी आ रही है। और इसको उठाएंगे, सबसे ऊपर रख देंगे, तो इसका मतलब है क्या करना पड़ेगा, इस पर भी वही वाला काम कर दें, फिर फ्लेक्स रिवर्स वाला। इसका कंटेनर कहाँ है, कंटेनर पे ये रहा भाई। एमडी के अंदर तो फ्लेक्स रो होगा, अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा, लेकिन कॉलम रिवर्स वाला हो जाएगा। आ गया, लेकिन ये नीचे आ गया ये नीचे दूसरा तरीका भी है, ऑर्डर देके चेक करते हैं पहले, तो ऑर्डर से अगर हो जाता तो अच्छी बात है। इसका इसका ऑर्डर चेंज करना है ना, इस वाले का ऑर्डर लगाते हैं इस पर। मैंने बोला ऑर्डर 1 आ गया, के ऊपर नहीं आया, माइनस में लगाते हैं, हल्का ले रहे हो क्या हो गया, हमने माइनस ऑर्डर 1 कर दिया, काम तो हो गया परफेक्ट, ये रिस्पॉन्सिव भी हो गई है, ना कोई नेव बार की ज़रूरत है, ना मतलब क्लिक क्लिक करने की ज़रूरत, डायरेक्टली परफेक्ट, ये रिस्पॉन्सिव नहीं। ये तो इधर तो आएगा, अभी बड़ी छोटी स्क्रीन के हिसाब से करा था ना हमने, तो बड़ी के ऊपर इसका क्या करा दूँगा, ऑर्डर वापसी 1 करा दूँगा तो यार ऐसा नहीं करो, चलो ऐसे काम करते हैं, एमडी के बाद से क्या करा देंगे, वापसी से ऑर्डर 0 कर देंगे, जो इसका सेम ऑर्डर था वैसे ही हो जाएगा, 0 पे तो ऐसा आ रहा है, 1 करते हैं, सही है। छोटी पे चेक करते हैं, अभी काम कर रहा है ना, पता चला बेइज्जती करा रहा हूँ फिर से, ये सही है, दिस इज़ परफेक्ट। ठीक है, चीते बन गए सारे एक ही कोर्स के अंदर, और यूट्यूब पे आता है ना कि हमारा एक वीडियो देखो, एक ही कोर्स देखो, सारा सीख जाओगे, ये वही है, ये 8 घंटे का कोर्स है, यहाँ पे 2 घंटे का कोर्स है, सारा करा दिया, क्या कर रहे हो तुम लोग 10 मिनट में जावा स्क्रिप्ट कम्प्लीट। हाँ अच्छा, इसको राउंडेड वगैरह करने की नीड तो नहीं है, सही लग रहा है, बॉर्डर रेडियस है। चलो खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आप लोगों ने देख लिया होगा आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगा के काम करोगे तो सब हो जाएगा। आप अपने पास से खुद से कोई बनाओ, सारे अपनी अपनी पोर्टफोलियो बनाओ, और ऐसी बनाओ कि जो है ना रेज्यूमे में देख कर जो वो भी हिल जाए क्या बनाया है अच्छा वो ये जो मैं जो उसका रिएक्शन होगा ना, वो ये नहीं बोले कि क्या बनाया है, ये वाला नहीं क्या बनाया, ये वाला रिएक्शन होना चाहिए उसका, समझ रहे, रिएक्शन ये 2 टाइप के होंगे, तो एक तो ये होगा क्या बना दिया यार अरे हाँ ये देखो मैं दिल रखने के लिए बोलते दूंगा, आगे चल के अगर कोई कुछ दूसरा बोल दे फिर तो, और अगर ये वाला ऑप्शन ऐड कर दो तो क्या ही बात है, सही है ना। होवर कहाँ ही है क्या, हाँ टेलविंड के अंदर होवर, हाँ होवर वाला मैं थोड़ा सा काम इस पर करके दिखा देता हूँ। चलो ये बटन का, चलो मैं होवर का चेंज करके इसको ब्लैक वाला कर दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है ना, मैं एक होवर भी दिखा रहा हूँ, देखते हैं ब्लैक देखते हैं, कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, मिड के अंदर आया, मिड के अंदर आने के बाद ये जो बटन आ रहा है, मैंने वाला जैसे ही मैं होवर करूँगा, इस बटन की बात चल रही है क्योंकि बटन के ऊपर ही हूँ ना, मैंने वाला बटन पे जैसे ही मैं होवर करूँगा तो इसका बीजी जो है ब्लैक हो जाएगा, और होवर करने के ऊपर ही टेक्स्ट इसका वाइट हो जाएगा, चेक करते हैं, हो गया। और ट्रांजिशन लगाना है तो यहाँ पर आके बस डायरेक्टली ड्यूरेशन लगा दो 300, सही है। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, इस आइकन और उसके बीच के अंदर जो है ना थोड़ा सा ये मसला है, तो इसके अंदर आते हैं, मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे 12 पिक्सल, वो बटन की विड्थ छोटी है ना, उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, 28 की जगह पे इसको कर लेते हैं 32,
सही है, हायर मी, ठीक है। तो ये होवर वाला भी, इस पर काम हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे होवर आप लोग लगवा सकते हो। इसके होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर ग्रे कर सकते हो, जैसे ये वाला हुआ हुआ है, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा, टेलविंड के अंदर एक थोड़ा सा मसला है कि मतलब इतना ज़्यादा कोड हो जाता है, फिर समझ में आना थोड़ा सा बंद हो जाता है, क्योंकि स्पेस देकर और उस पर जो है ना कमेंट ज़रूर डाल दो हर एक चीज़ के लिए, तब जाके समझ में आएगा, वरना तो सब ऊपर से जा रहा होगा। हाँ